इन तस्वीरों को देखिए, देखिए कि कैसे एक पुलिसकर्मी वर्दी में होकर भी अपनी चाहत को पूरी कर रहे हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये कोई फिल्मी शूटिंग नहीं है, ये असलियत में पुलिसकर्मी बच्चों को खुद स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं। चलिए अब जरा इस वीडियो की सच्चाई आपको बताते हैं। दरअसल ये वीडियो यूपी के कुशीनगर के कप्तानगंज थाना की है, जहाँ के सेमरा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुछ दिनों पहले चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत प्रधानाध्यापक ने कप्तानगंज थाने में देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच थाने में तैनात अतुल कुमार को मिली थी। इसी जांच के सिलसिले में दरोगा जी स्कूल पहुंचे थे, लेकिन दरोगा जी बच्चों को पढ़ता देख खुद को रोक नहीं पाए और दरोगा से मास्टर बन गए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को गणित का सवाल हल करना समझाया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वायरल होने के बाद जो भी उनकी वीडियो को देख रहे हैं वो जमकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वही मास्टर के रूप में दरोगा को देख बच्चे भी काफी उत्साहित हुए। दरअसल जब वो चोरी की जांच को लेकर स्कूल पहुंचे, तो स्कूली बच्चों को पढ़ता हुआ देखा। फिर क्या था, दरोगा बनने से पहले शिक्षक का दायित्व निभा चुके अतुल कुमार खुद को रोक नहीं पाए। दरोगा की वर्दी में ही हाथ में चौक लिए ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को गणित के सवालों को हल करना बताने लगे। लगभग एक घंटे के क्लास के बाद जब दरोगा वापस जाने लगे, तो बच्चों से दोबारा पढ़ाने आने का वादा भी किया। स्कूल में ताला लगता हुआ वाली कुंडी जिसमें ताला फंसाया जाता है, उसको काट के चोर उसमें से पुरानी साइकिलें दो चुरा ले गए थे। उसी का एप्लीकेशन पड़ा था, तो वो जांच में आए। हाँ, बच्चों को पढ़ाए। बच्चों को देखने के बाद पढ़ाने की इच्छा हुई उनकी, तो कहे हम क्लास लेंगे। हम लोग कहे स्वागत है सर आपका। तो बहुत पढ़ाए और बच्चे बहुत संतुष्ट रहे और फिर वादा करके गए कि फिर आएंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो विद्यालय नहीं आते हैं, उनके लिए इन्होंने नहीं, जो नहीं आते हैं उनके लिए क्या मिसाल, मतलब वो पढ़ाने से उनको ये लगा कि अगर दूसरे विभाग के लोग हमारे विभाग में सहयोग कर रहे हैं, तो जो टीचर नहीं आ रहे हैं उनके लिए तो ये संदेश ये है कि हमको अपना काम करना चाहिए। स्कूल में ताला लगता हुआ वाली कुंडी जिसमें ताला फंसाया जाता है, उसको काट के चोर उसमें से पुरानी साइकिलें दो चुरा ले गए थे। उसी का एप्लीकेशन पड़ा था, तो वो जांच में आए। हाँ, बच्चों को पढ़ाए। बच्चों को देखने के बाद पढ़ाने की इच्छा हुई उनकी, तो कहे हम क्लास लेंगे। हम लोग कहे स्वागत है सर आपका। वो बहुत पढ़ाए और बच्चे बहुत संतुष्ट रहे और फिर वादा करके गए कि फिर आएंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो विद्यालय नहीं आते हैं, उनके लिए इन्होंने क्या नहीं, जो नहीं आते हैं उनके लिए क्या मिसाल, मतलब वो पढ़ाने से उनको ये लगा कि अगर दूसरे विभाग के लोग हमारे विभाग में सहयोग कर रहे हैं, तो जो टीचर नहीं आ रहे हैं उनके लिए तो ये संदेश ये है कि हमको अपना काम करना चाहिए। अच्छा लगा। और दरोगा थे स्कूल में, चोरी हुआ था इसलिए जांच करने आए थे। आए तो हम लोग को डर लग रहा था, आए तो भाग गुड़ा घटाना दिए। उसमें कोई टीचर नहीं थे पढ़ाने वाले, क्लास खाली था? नहीं, आए थे। उसके बाद जब वो पढ़ाने लगे तो आपको लगा कि ये पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं है, टीचर है? हाँ, टीचर लगा। अच्छा, इसके पहले आप पुलिस विभाग को देखते होंगे, पुलिस के कोई भी सिपाही होंगे या दरोगा? हाँ। डर लगती है आपको? हाँ। लेकिन कल वो पढ़ाए उसके बाद? नहीं, डर लगी। हाँ, क्या लगा? वो आए थे, अच्छा लगा। इसलिए आए थे? वो ताला टूटा था, उसी के सर दरखास्त दिए थे, इसलिए आए थे। चोरी हुई थी साइकिल, इसलिए आए। और हम लोग डर गए थे जब वहाँ से आए थे, तो हम लोग को कहें डरना नहीं, हम लोग हम पढ़ाएंगे। क्या लगता है इसके पहले आप अगर पुलिस के किसी भी कर्मचारी को आप देखते होंगे तो डर लगता होगा आपको? हाँ। इनका कैसा लगा? कल अच्छा लगा। कौन से विषय पढ़ाया था आपको? गणित। बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ दरोगा जी की ही चर्चा हो रही है। इस वायरल वीडियो के जरिए उन शिक्षकों के लिए भी संदेश है जो कि स्कूल नहीं आया करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दरोगा होते हुए भी शिक्षक का दायित्व तो निभाने वाले दरोगा का शिक्षा जगत की तरफ झुकाव होना सभी के लिए अच्छा है। दरोगा अतुल कुमार आजमगढ़ के मध्यम परिवार से रहने वाले हैं। शुरुआत में वो बीटेक की पढ़ाई कर नोएडा में प्राइवेट कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में काम किया। फिर 2014 की दरोगा भर्ती में अपनी उस नौकरी को छोड़ चले आए।
लेकिन चूंकि भर्ती हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद काफी समय लग गया, इसी बीच अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 69,000 के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उनका चयन हो गया और डिस्ट्रिक्ट में ही शिक्षक पद पर नियुक्ति हो गई। इसके बाद वहीं पर रहकर उन्होंने बच्चों के बीच काफी समय गुजारा है। उन्हें गणित विषय से कुछ ज्यादा ही लगाव है। साथ ही साथ जब दरोगा की भर्ती हुई तो साल 2019 में वो ट्रेनिंग पर चले गए। उसके बाद जनवरी 2022 में कुशीनगर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। लगभग एक हफ्ते लाइन में रहने के बाद उन्हें कप्तानगंज में तैनात किया गया। ऐसी तस्वीर सुखद एहसास कराती है, क्योंकि ऐसी तस्वीर बताती है कि आने वाले वक्त में शिक्षा का स्तर और ऊपर उठेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।